इन सब के अलावा आम की एक प्रमुख समस्या है और वो है अनियमित फलन। दरअसल कुछ किस्मों में नई शाखाएं फल निकलने के बहुत दिनों बाद आती है, जिसकी वजह से अगले सीजन में जब मंजर लगने का समय हो जाता है उस समय तक ये शाखाएं परिपक्व ही नहीं हो पाती, इसलिए फलन नहीं हो पाता है। ये समस्या आखिर क्यों आती है और इसका कुशल प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। जब पेड़ एक वर्ष से अधिक फल देते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिसके कारण पेड़ नई शाखाएं उगाने में सक्षम नहीं रह जाते। कई बार कार्बन या नाइट्रोजन के असंतुलन के कारण भी पेड़ नई शाखा उगाने के काबिल नहीं रहते, जिसके कारण दूसरे वर्ष में फलन नहीं हो पाता है। इसके अलावा विपरीत परिस्थिति जैसे अधिक वर्षा या कम तापमान फल लगने की स्थिति को प्रभावित करता है। अनियमित फलन प्रबंधन के लिए बागों की उचित देखरेख जरूरी है। अगर समय से मंजर के अलावा भी मंजर आए तो उसे तोड़कर हटा देना चाहिए। इससे फलन वर्ष में पेड़ पर पोषक तत्वों की कमी का असर कम होगा और अफलन वर्ष यानी फल आने के अगले साल भी आप फल तोड़ सकेंगे। यदि वृक्ष में फल एक सीमा से अधिक लगता है तो वृक्ष की चारों दिशाओं से कुछ कुछ फलों को कंचे के बराबर की अवस्था में आ जाने के बाद ही तोड़ लेना चाहिए। ऐसा करने से पेड़ों के पोषक तत्व एवं वृद्धि में सामंजस्य बना रहेगा और फल भी आकार में बड़े एवं स्वस्थ मिलेंगे।